रखा गया है उस पर बात करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। जो सब्जेक्ट है घुमंतू जनजातियां भारत का महत्वपूर्ण अंग है, मगर 1950 से लेकर आज तक किसी भी केंद्र सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आजादी के 76 साल बाद भी उनको पहचान, मान्यता एवं अधिकार देने के बारे में शासक जाति द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाए, न इसके लिए कोई पहल की। इनकी जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है, फिर भी उनको अनदेखा किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश करने के हेतु इस विषय पर चर्चा करने के लिए ये विषय यहाँ पर रखा गया है। आप मुझे देखकर शायद हैरान होंगे कि ये किस बेस में इधर आया है। साथियों, मैं यहाँ इस विषय पर बात नहीं करूंगा क्योंकि विषय पर बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस मंच ने, इस संगठन ने और हमारे मार्गदाता माननीय वामन मेश्राम साहब ने इस देश में क्या बदलाव किया है वो दिखाने के लिए मैं इस देश में आपके सामने खड़ा हूं। मैं महाराष्ट्र की घुमंतू जाति, उसमें भी एक क्रिमिनल ट्राइब है रामोशी जाति करके, उस जाति से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी की शादी हो गई, शादी होने के बाद हमारे समूह में, हमारे जाति में भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब मेरे पिताजी और माँ दर्शन करने के लिए गई तो पिताजी ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और भगवान से कहा, अगर मुझे बेटा पैदा होता है तो मैं तुझे सौंप दूंगा। और भाइयों, क्रांति हो गई, मेरा जन्म हो गया। इस मंच से मैं आपके सामने भी वही सवाल उपस्थित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में और खास करके हमारे घुमंतू जातियों में मन्नत मांगने की प्रथा है। जब शादी होती है 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल बच्चा पैदा नहीं होता तब मन्नत मांगी जाती है, बच्चा होने दो, हम ये करेंगे। लेकिन हमारे पिताजी उससे एडवांस थे, उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई, पहले ही दिन जाकर बोले मुझे बच्चा होने दो, मैं आपको सुपूत करूंगा। और मुझे उन्होंने भगवान को सुपूत कर दिया, ये जो मेरा भेष है ये पोतराज कहते हैं इसे। और खराज सर ने जो किताब लिखी है जेजुरी का खंडोबा कौन है, इसमें इसका उल्लेख है पत्तूराज के नाम से। और ये कोई अलग नहीं है, ये आप ही का है, आप ही की विरासत है, ये बुद्धिस्ट परंपरा से है। लेकिन आजकल हमें इसकी जानकारी नहीं है। घुमंतू जाति के लोग एक गांव में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते। आज गैस का जमाना है, सिलेंडर का जमाना है, फिर भी 3 पत्थर का जो चूल्हा बनता है उसी पर वो खाना बनाकर खाते हैं। उनके हाथ में जो हथियार रहता है वो भी 3 आरी वाला रहता है, उसे त्रिशूल कहते हैं, आपने पिक्चर में देखा होगा। ये क्या है ये 3? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत की जो सभ्यता है वो घुमंतू सभ्यता नहीं है, नागरी सभ्यता है। कई बार साहब ने भी कहा है, केडर कैंप में भी बताया है। तो ये घुमंतू कहां से आए जो 12 करोड़ लोग है भारत देश में? ये घुमंतू कहीं से नहीं आए, दूसरे देश से नहीं आए या दूसरे ग्रह से नहीं आए, ये आप ही के लोग है। बुद्धा के बाद सम्राट भरद्वाज की हत्या जब हुई, सम्राट भरद्वाज की हत्या होने के बाद, सम्राट भरद्वाज की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने ऐलान जारी किया, एक भिक्कु का सर लेकर आओ, काट करके उसे 100 सोने की मुद्राएं दे जाएगी। उसके बाद भिक्कुओं का कत्लेआम इस देश में शुरू हुआ। तब अपनी विरासत बचाने के लिए, अपनी सभ्यता बचाने के लिए कुछ भिक्कु लोग वहां से भाग गए और उन्होंने अपना वेश बदला, अपनी बोली बदली, अपनी लैंग्वेज बदली, अपना रहन सहन बदला। आज घुमंतू जाति के जितने भी लोग हैं, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, शायद खराज सर यहां पर है, माने सर यहां पर है और हमारे मार्गदाता मेश्राम साहब भी यहां पर है, मेरा तर्क अलग हो सकता है, मंच का तर्क अलग हो सकता है, संगठन का तर्क अलग हो सकता है। मेरा ये कहना है और दावे के साथ ये कहना है कि ये जो लोग है घुमंतू जाति के, ये तंत्र यानी बुद्धिस्ट है। उन्होंने तंत्र डेवलप किया। जब वो भागे वहां से
तो ब्राह्मणों को पता ना चले इसलिए उन्होंने अपने बोली में बदलाव किया। महाराष्ट्र में 48 जातियां घुमंतु जातियों की, हर किसी की कोड लैंग्वेज है। अगर दोनों अपने कोड लैंग्वेज में बात करेंगे, मानेसर और उनके जाति के लोग बात करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं और मेरे जाति के कुछ लोग बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो ब्राह्मणों को पता ना चले इसलिए उन्होंने वो डेवलप किया। आपके द्वार पे, आपके घर पे कभी कभी भिक्षु आते होंगे भगवे कपड़े में और कहते होंगे अलग निरंजन, तो कोई अलग नहीं है, ब्राह्मणवाद हमारे दिमाग में है इसलिए हम उसको उसी तरह से देखते हैं। ये अलग निरंजन का मतलब क्या है, अगर वो आप देखेंगे उसको पैर के अंगूठे से सर तक, सर के बाल तक, वो बौद्ध भिक्खु है। सिर्फ बाल जो है उसने बढ़ाए है, दाढ़ी मूछ बढ़ाई है, वो भी ब्राह्मणों से छुपने के लिए, ब्राह्मणवाद से छुपने के लिए अपने आइडेंटिटी चेंज की है। लेकिन आज भी वो कहता है अलग निरंजन। अलग का मतलब है जागो, जागृत रहो, और निरंजन का मतलब है आपकी विरासत निरंजना नदी के किनारे पर है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो घुमंतु लोग है आज साहब यहां पर बैठे हुए, या तमाम देश के लोगों की जो समस्या है, अच्छे कपड़े की समस्या है, अच्छे खाने की समस्या है, अच्छे मकान की समस्या है, अच्छे गाड़ी की समस्या है, ये घुमंतु जातियों की आज समस्या ही नहीं है, उन्होंने वो मैनेज कर लिया है। जहां दिखे वहां अपना घर बनाते हैं, जहां दिखे वो रहते हैं, जंगल में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, उनको अच्छे घर की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी की जरूरत है। और आइडेंटिटी का मुद्दा माननीय वामन मेश्राम साहब ने यहां पर उठाया, मैं इस देश में तो उनके सामने झुक नहीं सकता और उनसे छोटा हूं इसलिए उनको आशीर्वाद भी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे घुमंतु जातियों का मुद्दा यहां पर उठाया और चर्चा करने के लिए हमें यहां पर आमंत्रित किया। इसी महाराष्ट्र में धुले नाम का जिला है, 2018 में रायनपाड़ा नाम के गांव में 5 नाथपंथी डौरी गोसावी समाज के लोगों की हत्या हुई, पत्थर से कुचल कर उन्हें मारा गया। सिर्फ उनका कसूर क्या था पता है, उनके पास आधार कार्ड नहीं था। हमारी समस्या आज भी आधार कार्ड और राशन कार्ड की है। हमारी समस्या ना अच्छे घरों की है, ना अच्छे कपड़ों की है। आपको देखते रहोगे, रस्ते से गुजरते रहोगे तो नंगे ही घूमते हैं। ये भी मैंने पहना है, ये पहनते नहीं, इसमें इस ड्रेस पे कपड़ा नहीं पहनते ऊपर, लेकिन मैंने पहना है क्योंकि अपनी भी कोई सभ्यता है। और जो आप देखते होगे सिग्नल पर, वो बच्चे छोटे छोटे खुद को मार लेते, वो मारने का मतलब ये है बुद्धा के जो 32 लक्षण है वो खुद के शरीर पर बनाने का वो मतलब है। और दूसरा मतलब है जब वो खुद 32 मारेगा खुद को, तब वो बोधिसत्व की दिशा में जाएगा और उसको अधिकार मिलता है। समाज में जो अज्ञान है, समाज में जो गैर बराबरी है, समाज में जो भेदभाव है, उसे खत्म करने के लिए सामने वाले पर वो ये चलाने का उसको अधिकार मिल जाता है। लेकिन ये अधिकार अभी तक हमको नहीं मिला है। मैं माननीय वामन मेश्राम साहब से कहूंगा, अगर आप हमें वो अधिकार देते हैं तो हम समाज में जाकर अज्ञान, गैर बराबरी, भेदभाव, महिला का सेग्रीगेशन, आदिवासियों का अलगीकरण, इस पर काम करेंगे। मैं मेरे बारे में 2 मिनट में बात रख के खत्म कर देता हूं। यहां पर मैं पोतराज था, मेरे पिताजी ने मुझे भगवान को सौंप दिया था, लेकिन मेरे मामा ने मेरे बाल काटे, मुझे स्कूल में दाखिला कर दिया, नहीं तो आज मैं यहां पर नहीं होता, किसी सिग्नल पर हो जाता। और इस मंच पर मैं 2016 से काम बामसेप में कर रहा हूं। पहला मेरा कैडर काम सुल्तान बत्तेरी में साहब का हुआ, और बामसेप में लाने जिन लोगों ने लाया उनका भी नाम लेना चाहता हूं मैं यहां पर। एक मुस्लिम कार्यकर्ता है गौस सैयद, दूसरा बाला साहब चौहान, तीसरे सुखदेव चौहान कृषि अधिकारी थे, चौथे राहुल मकरे साहब, पांचवे विशाल जाधव, और यहां पर बैठे अनिल माने साहब, डी आर ओल सर, और हमारे मार्गदाता मेश्राम साहब, इनके बदौलत मैं आपके सामने खड़ा हूं। हम घुमंतु जातियों में से है, क्रिमिनल ट्राइब में है, हमारे समाज में जाति में दूर दर तक का एक बाबा साहब का नाम नहीं है। ये हमारी गलती नहीं है, देर से हमारे पास बाबा साहब पहुंचा है। 2016 से मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रचार प्रसार करता हूं,
फुल टाइमर बना हूं, ये कोई मिशन पर मेरा उपकार नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने और इस संगठन ने जो मुझे काम करने का मौका दिया, इसीलिए तहे दिल से मैं इस मंच का आभार व्यक्त करता हूं। और जाते जाते एक शेर आपके सामने रखना चाहता हूं, जंग में जीत कर आने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं, जंग में जीत कर आने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। अगर मेसराम साहब ये मंच और आप सब मूल निवासी मेरा साथ दे तो ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए मैं निहत्ता ही काफी हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी। धन्यवाद सर, आप एक मिनट के लिए यहाँ स्टेज पर आ जाइए। सर सर आप एक मिनट के लिए स्टेज पर आ जाइए ताकि सब लोग देखें। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगले वक्ता के रूप में आपके सामने मैं निमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनिल कुमार माने सर, जो कि राष्ट्रीय